नमस्ते प्रणाम। तो फिर आप सभी का स्वागत है मेरा ब्लॉग में। तो देखिए आज हम झाझा पार्क आए हुए हैं और आज संडे था और संडे के कारण सभी यहाँ पे मतलब छुट्टियाँ मना रहे हैं। देखिए पूरा एकदम पार्क भरा हुआ है। ये झाझा पार्क देखिए, पूरा झाझा पार्क भरा हुआ है और देखिए बहुत सारे यहाँ पे लड़का है। हम आइए कुछ बात भी करते हैं। देखिए एक भाई है, भाई तो कैसा लग रहा है यहाँ झाझा पार्क? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। कब घूमने के लिए आए? बहुत देर से घूम रहे हैं। कैसा मजा लग रहा है? पूरा एकदम मतलब रोज खुला रहता है पार्क? पर डे खुलता है, लेकिन संडे दिन ज्यादा भीड़ रहता है ना पूरा एकदम। जनसंख्या देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये झाझा पार्क है और पूरा यहाँ पे एकदम भीड़ लगा हुआ। शाम हो गया, सब धीरे धीरे अपना घर जा रहे हैं। 6 बज गया है। देखिए पूरा एकदम सब यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे रोज करीब हजारों के हजारों संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, टहलने के लिए आते हैं अपना स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम। देखिए और बहुत सुंदर पार्क है झाझा का पार्क। देखिए हरा हरा बाग, हरा हरा बगिया। देखिए सब यहाँ पे घूमने के लिए और यहाँ पे अब सब जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुका है और बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पे, लेकिन पक्षी अभी शायद कहाँ पे पता नहीं, अभी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे मोर भी है और बहुत सारे पक्षी है, बट अभी इतना सारा आदमी देखने के बाद कहीं गुम हो गया है, दिख नहीं रहा। देखिए सब बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ए बाबू मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है खेल के? पार्क में रोज आता है? पार्क में पैसा नहीं लगता है? नहीं लगता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे पैसा भी नहीं लगता, इसीलिए पूरा सब लोग मस्ती कर रहे हैं, फुल एंजॉय ले रहे हैं पूरा एकदम। ये ब्लॉग बन रहा है बाबू, सबका मोबाइल में खुलेगा। हाँ देखिए सब अपना घर डेरा वापस जा रहे हैं। हम लोग भी अब धीरे धीरे घर निकल रहे हैं और अभी आइए आप लोग बाहर का कल फिर मिलते हैं। फिर देखिए भाई जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल मिलेंगे और आइए आपको बाहर का थोड़ा सीन मैं दिखा दूं। देखिए सब भाई जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही है झाझा पार्क और अभी आप मैं आपको गेट दिखाने वाला हूँ। इंडिया गेट है ना? देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर माहौल और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए और हम लोग भी अब बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि शाम हो चुका है और शाम होने के कारण धीरे धीरे भीड़ छट रही है। देखिए कितना सारा भीड़ है और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का गेट। देखिए कितना मतलब सारा भीड़ है और स्वर्गीय शिवनंदन यादव स्मृति उद्यान नगर पंचायत झाझा, बहुत ही सुंदर ये पार्क है। देखिए सब धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं क्योंकि समय खत्म हो चुका है। और भैया पार्क का मजा ले लिए? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, और भी थोड़ा सा अट्रैक्शन होना चाहिए, झूला वगैरह। यस मतलब यहाँ पे झूला होना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे लोग एंजॉय करना चाहते हैं। और आइए और सारे भाई से मिलाते हैं। भैया हेलो, कैसा लगा पार्क में घूम के? बहुत बढ़िया लगा। हो पार्क में घूमने आज कैसा लगा पार्क? अच्छा लगा ना? आप और कुछ कमी है पार्क में? बच्चे लोगों के झूला होना चाहिए, ये सब खेलने के वगैरह जो है अच्छा है। झाझा के लिए तो बेहतर है, बेहतर है ना? और बच्चे के लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं जो है झाझा के लिए अच्छा है, बढ़िया है। रोज आते हैं? हाँ हम तो एक्चुअली रोज आते हैं। यहाँ पे मतलब करीब हजारों की संख्या में रोज के प्रत्येक दिन भीड़ लगते हैं। देखिए तो धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं क्योंकि शाम हो चुका है और बाबू लोग खेलते हैं रोज इसमें पार्क में खेलते हैं ना? हाँ। मजा आता है? हाँ। देखिए अब हम लोग भी घर निकलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भीड़ दिखा देते हैं। धीरे धीरे करके मेन गेट से सब बाहर हो रही हैं लड़कियाँ और यहाँ पे देखिए पूरा पार्क आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ का पूरा देखिए अभी लाइट नहीं है,
पार्क के जस्ट बगल यहाँ पे मंदिर भी है, देखिए चैती दुर्गा मंदिर तो देख सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर भी है और जस्ट पार्क का बगल में है। देखिए यहाँ पे पार्क है और यहाँ पे ओम प्रकाश स्कूल भी है और जस्ट बगल यहाँ पे मंदिर है। और ये दुर्गा माँ का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है जो चैती दुर्गा कहा जाता है झाझा का। देखिए बहुत ही इतना खूबसूरत ये मंदिर है देखिए। और अभी ये जो हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार दुर्गा पूजा आ रहा है उन्हीं का तैयारी हो रहा है, यहाँ पे पंडाल बन रहा है। देखिए यहाँ पे बैठे हैं गार्ड वगैरह, यही है यहाँ का नज़ारा। तो झाझा का पार्क और मंदिर देखकर कैसा लगा वीडियो में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए महादेव।